here to subscribe. बू, भूत आया। रेलगाड़ियाँ रात को भी चलती हैं और आज रात को लोगों की ड्यूटी है। हाय मिस्टर हब। लोको, लगता है आज तुम्हारी रात की शिफ्ट है। जी, मेरी पहली रात की शिफ्ट है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। डरो मत, वैसे ही करो जैसे हमेशा करते हो। ठीक है। तुम्हारे जाने का समय हो गया है, जब वापस आओगे मैं मिलूंगा। ठीक है। कितना अंधेरा है, बहुत ही डरावना माहौल है। डर लगने के बावजूद लोको ने काम पर जाने की हिम्मत जुटा ली। अकेले जाते हुए कितना डर लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, लेकिन अच्छा होगा कि काम जल्दी खत्म हो जाए। अरे ये क्या था, सारी लाइटें भी बुझ गई है। कितना डरावना है ये सब। मैं गिर रहा हूँ। अरे नहीं, लोको तो पटरी से उतर गया। मदद करो। अगले दिन की शुरुआत हुई। लोको! टीटीपो! क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम गिर गए थे। हाँ, मैं तेज जा रहा था क्योंकि डरा हुआ था और गिर गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ, और पता है मेरी कल की भी रात की शिफ्ट है। अरे नहीं, रात को काम करते हुए मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, तुम्हें डैनी से बात करनी चाहिए। डैनी? डैनी कौन है? वो रेल जो ट्रैक्स की जांच करती है, वो रात को काम करता है। मुझे यकीन है डैनी तुम्हारी मदद कर पाएगा। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। ठीक है, मेरे पीछे आओ। ठीक है। ये है डैनी, ये अभी अभी नहा कर बाहर निकला है। मजा आ गया। डैनी! हेलो टिटीपो। हेलो। हेलो। ओ, क्या ये कोई नई ट्रेन है? हाँ, ये है लोको। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कोई काम है? वो लोको रात को काम करते हुए डरता है। शायद तुम इसकी मदद कर पाओ, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। हाँ, प्लीज कुछ मदद करो ना डैनी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया डैनी। तो फिर चलने के लिए तैयार हो तुम? रुको 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 ना। ओ, डर लग रहा है। तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लोको। वाओ, कैसे डैनी? मेरा काम है पटरियों की जांच करना। ओ, पटरियां मुड़ी हुई हैं। मुझे अभी टियो को बताना होगा। टियो, बोलो डैनी। हार्बर जाने वाले रास्ते की पटरियां मुड़ी हुई हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। पटरियों की जांच रेलगाड़ी के काम पर जाने से पहले करनी होती है, इसलिए मैं रात को काम करता हूँ। तुम रात को काम करते हो अकेले? शुरू में डर लगता था, लेकिन रात को काम करने में मजा आने लगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रात को लोको डैनी के साथ चलता रहा। बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोको, तुम कोई गाना क्यों नहीं गाते? गाना? हाँ, अगर तुम खुशी वाला गाना गाओगे तो डर नहीं लगेगा। पता नहीं, कोशिश करते हैं। चक चक चू चू चक चक चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चक चू चू, दुनिया को सुनाओ। चक चक चू चू चक चक चू चू, चलते जाओ तुम हंसते गाते, दिल से गाओ चक चू चू, दुनिया को सुनाओ। अब कैसा लग रहा है? अब पहले से अच्छा लग रहा है। लाइट्स फिर नहीं जल रही, बहुत अंधेरा है। इन बातों की जगह किसी और बात पर ध्यान दो। जैसे दोस्तों के साथ कोई मौज मस्ती वाली बात। हाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का कोई दिन। इन फूलों को देखो, कितने सुंदर हैं ये, बहुत सुंदर। एक दिन हम घूमने गए थे तो बहुत मजे किए थे। देखा लोको, डर चला गया। वाओ, तुमने सही कहा डैनी,
मैंने कहा था ना, डर को दूर करने के कई तरीके होते हैं। अरे लोको, एक मिनट के लिए रुक जाओ। रुक जाऊं? क्यों? सिर्फ सुनो, आंखें बंद कर लो लोको। हाँ? वाओ, इतनी अच्छी आवाज किसकी है? ये झिंगुरों की आवाज है, इन्हें रात के सन्नाटे में सुन सकते हैं। संगीत की तरह है। अब आसमान को देखो। आसमान को? लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। ध्यान से देखो। ध्यान से? वाओ, इतने सारे तारे। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे। मुझे नहीं पता था कि रात इतनी सुंदर होती है। तो क्या कहते हो, अब तो तुम अकेले आ सकते हो ना? अकेले? पता नहीं, पर शायद मुझे अभी भी डर लगेगा। अच्छा, तो कल भी मैं क्या तुम्हारे साथ चलूं? वाओ, तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होते ही इसलिए हैं। हम दोस्त हैं? हम दोस्त हैं। ठीक कहा तुमने, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। टिटीपो टिटीपो। लोको। डैनी, तुम तो जल्दी आ गए। मेरी शिफ्ट तो बहुत देर से शुरू होगी। जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी काम की वजह से मैं आज रात को तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। सॉरी। क्या, नहीं जा पाओगे? अब क्या करूँगा? याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था। मुझे यकीन है तुम अकेले काम कर लोगे। हाँ ठीक है डैनी। अब वक्त है लोगों का रात की शिफ्ट को शुरू करने का। काम से लौटोगे तो तुमसे मिलता हूँ लोगों। ठीक है। आज कोहरा भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं वही करूँ जो डैनी ने सिखाया तो डर नहीं लगेगा। मैं कर लूंगा। डैनी अपना काम कर रहा है। उफ, काम हो गया। पता नहीं लोगों ठीक से काम कर रहा होगा या नहीं, और आज तो कोहरा भी काफी ज्यादा है। मैं जाकर उसे देखता हूँ। अरे कोहरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ओहो, मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया। मैं इतनी जल्दी में था कि फ्यूल भरवाना ही भूल गया। ओह, रेल आ रही है, मुझे मदद चाहिए। मैं यहाँ पर हूँ। सामान से लदा लोगो वापस शहर की ओर आ रहा है। जो डरते नहीं है वो मंजिल को पाते हैं। चलते जाओ, तुम हंसते गाते। ये तो गाना गाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, मैं कोई मजेदार बात याद करता हूँ। दिल से गाओ चगा चू चू चग चग चू चू, सारी दुनिया को सुनाओ। चग चग चू चू चग चग चू चू। वाओ, कितने सुंदर है। लोको, अब हम अच्छे दोस्त हैं। मेरी मदद करो प्लीज। ये आवाज कैसी थी? वहाँ क्या है? मदद करो प्लीज। कोई भूत है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ, चल नहीं पा रहा। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो। आवाज जानी पहचानी है। मैं यहाँ हूँ। ये डैनी की आवाज है, उसे जरूर भूत ने पकड़ लिया होगा। तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। नहीं नहीं रुको। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उतार दो, उतार दो। भूतों के रेगिस्तान में चलने का। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। डैनी, जब मुझे जरूरत थी तब डैनी ने मेरी मदद की थी। ठीक है, मैं कायरों की तरह नहीं भागूंगा। मैं आ रहा हूँ डैनी। डैनी को छोड़ दो, डरावनी भूतिया रेल। वो दोस्त है मेरा, मैं उसे छोड़ना पड़ेगा। अरे लोको, लोको, डैनी, भूतिया रेल ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? क्या,
भूतिया रेल? अभी तुम्हें भूतिया रेल ने पकड़ लिया था और तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अरे मैं चिल्लाया क्योंकि मेरा फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन मैंने भूतिया रेल को यहाँ देखा था। अरे कोहरे की वजह से मैं तुम्हें भूत लग रहा होऊंगा। कोहरे की वजह से? मुझे सच में लगा भूत है। कितना सुकून मिला मुझे। लोको डैनी को फ्यूल भरने की जगह पर ले जा रहा है। लोको एक बात बताओ, तुम्हें डर लग रहा था तुम तब भी मुझे बचाने आए? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि भूतिया रेल तुम्हें अपने साथ ले जाए। मुझे डर तो लग रहा था लेकिन इसीलिए तो दोस्त होते हैं। लोको तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई। तुम होते तो मेरे लिए यही करते ना। लगता है अब मैं रात की शिफ्ट अकेले कर सकता हूँ। अच्छा ये बात है। बिल्कुल डैनी। दोस्त की मदद करते हुए लोको जरा भी नहीं डरा। शाबाश लोको। साफ रहने में ही समझदारी है। जीनी टियो के पास जांच के लिए प्रोडक्शन प्लांट आई है। ये तो डीजल है। हेलो जीनी। इतनी बदबू, डीजल तुम इतने गंदे क्यों हो? इतना गंदा तो नहीं लग रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेकअप के लिए आई हूँ। और तुम? मेरे अंदर कुछ खराबी थी, टियो ने मुझे ठीक कर दिया। अच्छा हुआ। तो मैं काम पर चलता हूँ। ठीक है, बाय डीजल। फिर मिलेंगे। हेलो टियो। हेलो जीनी। तुम्हारे कपड़े? ये डीजल को ठीक करते हुए गंदे हो गए। सच कहूँ तो मुझे उसकी काफी चिंता रहती है। उसकी चिंता? वो बीमार है? नहीं, लेकिन वो खराब होता रहता है क्योंकि वो नहाता नहीं है। क्योंकि वो नहाता नहीं है? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। जीनी को अपने दोस्त डीजल की चिंता होने लगी। मैं आ गया। हेलो डीजल। हेलो। हाय डीजल, तुम अब तक नहीं नहाए हो? लेकिन क्यों? तुम बहुत गंदे हो रहे हो डीजल। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, माल गाड़ियाँ हमेशा गंदी रहती हैं। हेलो दोस्तों। हेलो लोको। क्या हाल है दोस्त? लोको भी मालगाड़ी है लेकिन वो साफ है। अरे छोड़ो भी, मैं थक गया हूँ, कल नहाऊंगा अब। क्या तो ऐसे ही सोने चले जाओगे? अगर डीजल तुम्हारी तरह साफ सुथरा रहता तो वो खराब नहीं होता। इसे नहाना ही पड़ेगा। डीजल ट्रेन वॉश में जाओ और नहा के आओ। मैं नहीं जा रहा। तो मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी जब तक तुम नहाने नहीं जाओगे। डीजल अच्छा यही रहेगा कि अब तुम नहा लो। मैं थक गया हूँ, चलो ठीक है नहा लेता हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि वो हमेशा साफ रहे ताकि वो फिर से बीमार ना हो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल अब तक सपनों की दुनिया में है। डीजल चलो नहा लो। मेरा मन नहीं है। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये अंदर गई। पकड़ लिया। पता नहीं जीनी सोते हुए डीजल को कहाँ ले जा रही है। ओहो ट्रेन वॉश में। मैं वापस आ गया। डीजल काम खत्म हो गया, मेरे साथ घूमने चलोगे? ठीक है, कहाँ चलना है? मेरे पीछे आओ, पता चल जाएगा। तो चलते हैं हम। ये घूमने की जगह नहीं है। धीरे धीरे चुपचाप। वो अभी तक आई नहीं है। आज मुझे नहाना नहीं पड़ेगा। डीजल सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। नया दिन शुरू हुआ। ये रहे टीटीपो और डीजल। डीजल
डीजल, गुड मॉर्निंग। टीटीपो, आज तुमने जीनी को देखा क्या? वो काम पर जा चुकी है। क्यों? जीनी मेरे पीछे ही पड़ गई है। कल मुझे 3 बार नहाना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे क्या पता। खैर, चाहे जो हो, जीनी को हर हाल में रोक के रहूंगा। डीजल, डीजल क्या करने की सोच रहा है? डीजल, टीटीपो, तुम नहाने आए हो? मुझे पहले जाने दो। रुक जाओ, अंदर मत जाना। ओ, क्यों? हाय दोस्तों। हेलो जीनी, पहले तुम नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने पानी में मिट्टी मिला दी है। देखो देखो कौन गंदा है। इस बार मैं उसे तंग करूंगा। क्या? उस पर मिट्टी लग गई होगी। चलो चलकर देखते हैं। ओ, बेचारी जीनी। ओ, ओ, देखो आ रही वो अब। मजा आ गया। ओ, ये गंदी क्यों नहीं हुई? बाद में मिलती हूँ दोस्तों। फिर मिलेंगे जीनी। लेकिन मैंने मिट्टी डाली थी। बड़ी अजीब बात है ये। क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। डीजल, डीजल, क्या तुम ठीक हो? जीनी, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। डीजल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करने के बाद डीजल वापस शहर आ रहा है। ये तो जीनी है। ओ जीनी, तुम वापस आ गई। कीचड़, अब मजा चखाता हूँ उसे। उपसी, अब तुम भी हो गई गंदी। अब चखाता हूँ मजा। शाबाश जीनी। शुक्रिया। ठीक है, मैं कल मिलती हूँ मिस्टर हब। आराम करो। अरे नहीं। ओ डीजल, डीजल, प्लेटफॉर्म पर आते हुए इतनी रफ्तार नहीं होनी चाहिए। मैं हजारों बार तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बार बार ये बात। और फिर डीजल को सुबह तक मिस्टर हब से डांट खानी पड़ी। बहुत हो चुका, आज तो बदला लूंगा ही। डीजल, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी छुट्टी है। जानता हूँ, लेकिन आज जीनी बाहर गई है फूलों को देखने के लिए। हाँ तो? तो आज वो दिन है जब मैं जीनी से बदला लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। टीटीपो, डीजल, आखिर ये जीनी है कहाँ पर? वो रही। हाँ? ओ, ये बहुत भारी है। तुम काम कर रहे हो? तभी ये ठीक नहीं है, लगता है कुछ गड़बड़ है। लग तो रहा है, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मुझे ये सामान पहुंचाना है, लेकिन मुझ में ताकत नहीं बची है। जीनी, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकती हो? जरूर, क्यों नहीं। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है। ये सब क्या है? ओ, माफी चाहता हूँ जीनी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डीजल। ये सुनकर मेरे दिल को आराम मिला। ओ, अच्छा सुनो, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तो तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। मैंने बदला ले लिया। ये क्या हुआ? मैं सच में खराब हो गया। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है
मेरे अंदर फिर से खराबी आ गई है। क्या फिर से? एक मिनट यहाँ रुको। डीजल, पहले तुम्हें जोड़ लेती हूँ, फिर प्रोडक्शन प्लांट ले चलूंगी। सच में? लेकिन क्या तुम पहले नहाना नहीं चाहोगी? मैं धूल की परवाह क्यों करूं, जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। मुझे लगा कि गंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं और इसीलिए तुम मुझे हर बार नहाने के लिए भेजती रहती थी। दरअसल टियो ने बताया था साफ नहीं रहने से तुम खराब हो रहे हो, मैं मदद करना चाहती थी। क्या सच में? क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती इसलिए तंग करती हो, इसीलिए मैंने तुम पर ये खाद गिरा दी और तुमसे बदला लेने की कोशिश की। क्या? माफ कर दो मुझे, सच में मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, मुझे माफ कर दोगे प्लीज? अगर तुम साफ सुथरे रहोगे तो मैं माफ कर दूंगी। ठीक है, अब मैं हर रोज नहाऊंगा। शुक्रिया जीनी। अब चलते हैं तुम्हें ठीक करवाने। अगले दिन की शुरुआत। कैसे हो दोस्तों? डीजल, तुम कितने साफ हो गए। मैं शहर की सबसे साफ रेल बनकर दिखाऊंगा अब। अब मुझे तुम्हारे खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक कहा, अब मैं तुमसे भी ज्यादा साफ हूँ। ये बदबू कैसी है? लगता है किसी ने कल की खाद को धोया नहीं है। क्या? किसी को नहाने की जरूरत है। मैं नहा चुकी हूँ दो बार। लगता तो नहीं मुझे बदबू आ रही है। ओ टीटीपो, तुम भी मेरी तरह अच्छे से नहाया करो। क्या? लेकिन मैं अभी नहा कर आया हूँ। देखो इतना काफी नहीं है, तुम्हें खुद को ज्यादा साफ रखना चाहिए। डीजल। जीनी की वजह से डीजल अब एक साफ सुथरी रेलगाड़ी है। चलो अच्छा हुआ डीजल। मिस्टर स्टीम का नया काम। आज टीटीपो की छुट्टी है। एरिक। टीटीपो, गुड मॉर्निंग। तुम बाहर खेलने चलोगे? मैं नहीं जा सकता, मुझे दोपहर में कुछ काम है। काम है? तो आज मैं क्या करूं? तुम मिस्टर स्टीम के पास क्यों नहीं जाते? मिस्टर स्टीम कौन है एरिक? वो पुराने जमाने के भाप के इंजन हैं। उनके साथ बहुत मजा आएगा, काफी मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं। मजेदार कहानियाँ? वो पुराने जमाने के किस्से सुनाएंगे तुम्हें। उनसे मिलने का मन कर रहा है। वो शहर के बाहर एक स्टेशन पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एरिक। मस्ती करना टीटीपो। हाँ जरूर। कहाँ पर होंगे वो? ओ, जरूर यही मिस्टर स्टीम होंगे, मजा आएगा। जरा सुनिए। लगता नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम है टीटीपो। टीटीपो, मिलकर खुशी हुई, मुझे स्टीम कहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कितनी अच्छी आवाज है तुम्हारी, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एरिक ने कहा आपसे मिल लूं, उसने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी और मजेदार कहानियाँ हैं। ऐसा कहा? जी, मैं उनमें से कुछ मजेदार कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। जरूर सुनाऊंगा तुम्हें, अब कौन सी कहानी सुनाऊं मैं? क्या तुम जवान मिस्टर हब की कहानी सुनना चाहोगे? जवान मिस्टर हब, जरूर सुनना चाहूंगा। इस बोर्ड पर बनी तस्वीर को ध्यान से देखो। बोर्ड पर बनी तस्वीर? ये तो मिस्टर हब है। ये मिस्टर हब है। इस तस्वीर में ये आदमी सच में मिस्टर हब है? वही है, पहचानना मुश्किल हो रहा है ना? जी। उन दिनों तुम्हारे मिस्टर हब बहुत सारी गलतियाँ किया करते थे। मिस्टर हब गलतियाँ किया करते थे? बिल्कुल, मुझे जवान हब अच्छी तरह याद है। हब, कहाँ चला गया ये? हब, कहाँ हो तुम? याम 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 याम। स्टीम,
इतनी देर से तुम अंदर क्या कर रहे थे? जरा मेरी आंख लग गई थी। जवान है, हमेशा झपकियां ही लेता रहता था। मैं अपने दोस्तों को जाके ये कहानी सुनाऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे। तो अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। परसों पहले पुरानी तरह की ट्रेन। मिस्टर स्टीम और टीटी पो ने पुराने जमाने की मजेदार कहानियां सुनते सुनाते अपना समय बिताया। अपनी कहानियां सुनाने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हैं तो फिर से आना तुम। जी जरूर। हाँ, आपका रूट कितने बजे है? मैं पुराने जमाने की रेल हूँ, इसलिए मुझे काम नहीं दिया जाता। तो फिर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं? हाँ। अच्छी किस्मत है, आपको काम नहीं करना पड़ता और आप पूरा दिन सो सकते हैं। अगर कर पाता तो मैं काम जरूर किया करता टीटीपो। हाँ, वैसे यहाँ खड़े खड़े आप बोर हो जाते होंगे ना? हाँ। जब छुट्टी हो जाए तो मेरे साथ घूमने चलिए। घूमने? लेकिन मुझे रास्ते नहीं पता और अब उम्र भी हो गई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, हम घूमने के लिए चलेंगे। टीटीपो, टीटीपो। काम खत्म करके टीटीपो मिस्टर स्टीम के साथ घूमने निकल पड़ा। बाहर आकर बहुत मजा आ रहा है। आपको अच्छा लगा? हाँ, जरा उधर देखिए। हाँ? वो है बंदरगाह। अरे वाह, ये कितना बदल गया है। अच्छा। बंदरगाह बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा है, कमाल है। अब मैं आपको वो रूट दिखाऊंगा जिस पर मैं जाता हूँ। ओ ठीक है। हेलो। हाय सिंह सिंह, बाय। क्या अभी कुछ निकला था यहाँ से? वो मेरी दोस्त है सिंह सिंह, बहुत तेज चलती है। सच में तेज है? ये मेरे रूट पर आने वाले स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। दुनिया वाकई बहुत बदल गई है। वाह, देखो मम्मी, वो ट्रेन कितनी अच्छी और अलग है। अरे हाँ, शायद कोई पुरानी ट्रेन है। देखो इसके ऊपर तो चिमनी बनी हुई है। क्योंकि मैं भाप का इंजन हूँ। मैं ये भी करता हूँ। वो कितना अच्छा है। क्या आप मुझे घुमा देंगे प्लीज? घुमा दूँ? नहीं बेटा। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, आओ बेटा चढ़ जाओ। वाह! आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर स्टीम, आप ले जा पाएंगे ना? हाँ, कोई परेशानी नहीं, एक बार फिर से काम करके मजा आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। मिस्टर स्टीम को रूट पर जाकर मजा आ रहा होगा। मिस्टर स्टीम अगले स्टेशन पर पहुंच गए। आप ठीक है मिस्टर स्टीम? हाँ, बस थोड़ी सी खांसी है। मुझे लगता है ये मामूली खांसी नहीं है। लो, हम पहुंच गए स्टेशन। इसमें बहुत मजा आया। एक बार और शुक्रिया। कोई नहीं, थोड़ा आराम करते हैं। मिस्टर स्टीम, मैं हूँ एरिक। आप इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, हेलो एरिक, टीटीपो और मैं घूमने निकले हैं। मिस्टर स्टीम ने कुछ लोगों को सैर भी करवाई। वाह, क्या बात है। सॉरी मिस्टर स्टीम, पर मुझे अगले स्टॉप पर जाना होगा। अच्छा, मैं रास्ते से हट जाता हूँ। मिस्टर स्टीम, क्या हुआ? मैं चल नहीं पा रहा हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। एरिक, माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा रास्ता रोक लिया। मैं मदद के लिए फिक्स को बुला लेता हूँ। ठीक है, शायद मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। फिक्स मिस्टर स्टीम को टीओ के पास ले जा रहा है। मिस्टर स्टीम, जांच के बाद आप बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। सारी मेरी गलती है, मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे को घुमाने ले जाना मेरी गलती थी।
और एरिक को भी मेरी वजह से ही देर और परेशानी हुई। लगता है अब घूमना मेरी किस्मत में नहीं। मिस्टर स्टीम। हेलो मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। मैंने स्टीम के बारे में सुना, क्या हो गया था आज? वो वहाँ खड़े खड़े बोर हो गए थे तो मैं उन्हें बाहर ले गया था, लेकिन फिर स्टेशन पर अचानक से उनका आगे बढ़ना रुक गया। समझ गया, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, असल में रिटायर होने के बाद स्टीम में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, तो मैं सोच रहा था कि उसकी मदद कैसे की जाए। अच्छा। जब वो काम करता था तो बहुत ही हंसमुख और जोशीला हुआ करता था। जानता हूँ, जब उन्होंने कुछ लोगों को सैर करवाई तो वो बहुत खुश थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिस्टर हब, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा। मिस्टर स्टीम को यात्रियों को घुमाना पसंद है ना, तो मैं सोच रहा था शायद उन्हें ये करना अच्छा लगेगा। अगला दिन शुरू हो चुका है, शायद मिस्टर स्टीम की जांच पूरी हो चुकी है। हाय मिस्टर स्टीम, आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, अब पहले से ठीक हूँ। टीटीपो। हेलो मिस्टर स्टीम, गुड मॉर्निंग डियर। मॉर्निंग। हेलो। हेलो टीटीपो। मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। स्टीम, कैसे हो तुम? ओह हर्बी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सवाल पूछना है? आज से मैं स्टीम ट्रेन का टूर शुरू कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसे लेकर जाओगे। स्टीम ट्रेन का टूर? आप वे स्टेशन के आसपास यात्रियों को घुमाएंगे? वाह, ये तो इनके लिए बढ़िया रहेगा। यात्रियों को घुमाना है? तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल। मैंने आपके कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए हैं, तो आप अब बिल्कुल तैयार हैं। सच? तो मैं दोबारा यात्रियों को घुमाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे शुक्रिया मत कहो दोस्त, ये आइडिया तो मुझे टीटीपो ने दिया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया टीटीपो। ऐसा करने के लिए शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं। कितने सारे लोग हैं। मिस्टर स्टीम आज बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। सब लोग बैठ गए हैं तो चलूं? हाँ। तो टूर शुरू करते हैं। दूसरी पारी की बधाई हो स्टीम, यूं ही चलते रहो। मजा आ गया। मिस्टर स्टीम फिर से सफर पर निकल पड़े। आपकी यात्रा अच्छी हो मिस्टर स्टीम।